हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आपके हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। और क्योंकि ये वीडियो होने जा रही है दो बहुत ही अमेजिंग शैम्पूस के बीच कंपैरिजन वीडियो, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ शैम्पू, जो मेरे पास है वो है वाओ का। दूसरा जो शैम्पू है मेरे पास है सेंट बोटानिका का। ये दोनों ही ब्रांड जो हैं वो वेल नॉन है। सभी इनके बारे में किसी न किसी चैनल से या ऑनलाइन कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं। तो ये जो बॉटल है मेरे पास, ये है सेंट बोटानिका एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू की, और जो दूसरी है वो है वाओ कोकोनट शैम्पू। और ये ऑलमोस्ट ये पूरा खाली हो चुका है जो मैंने बिल्कुल यूज़ कर लिया। इससे पहले मैंने वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू यूज़ किया है, उसका रिव्यू जो है मैंने किया हुआ है चैनल पे। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेंट बोटानिका एप्पल साइडर विनेगर की। तो ये दोनों जो है 300 ml की बॉटल्स में आते हैं, और पैकिंग पैकिंग जो है वो लुक लाइक सेम आपको नज़र आएगी। बॉटल जो है कलर थोड़ा अलग मिलेगा, जो वाओ के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके जो कलर प्रोडक्ट हैं वो सेम इसी टाइप के कलर में मिलते हैं। और वाओ एप्पल साइडर विनेगर, वाओ के शैम्पू, कोकोनट शैम्पू, बहुत सारे शैम्पू की जो है रेंज इनके पास है, जो काफ़ी सारी वैरायटी में आपको मिल जाती है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं इसके अदर जो प्रोडक्ट हैं वो। और इसके प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट। कोकोनट जो है वो नरिशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अगर आपके हेयर में डलनेस आ गई है, आपके हेयर फ्रीज हो गए हैं, तो आप कोकोनट वाओ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ है वो है सेंट बोटानिका। सेकेंड जो शैम्पू अगर हम देखें सेंट बोटानिका का, तो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है वाओ के शैम्पू के अगर कंपैरिजन में देखें तो। ये बहुत ही ज़्यादा थिक है और ये जो है आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में आपके हेयर्स पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही थिक है और थोड़ा सा ही आपके हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। द सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसमें रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसके जो है अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं और आप इसको 3 से 4 मंथ अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो आपके बालों में आप रीग्रोथ देखेंगे। आपके हेयर्स में छोटे छोटे जो फोलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी हेयर लाइन के आसपास आप नए बाल उगते हुए नज़र आएंगे। जबकि वाओ शैम्पू जो है वो क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। नेचुरल है दोनों प्रोडक्ट, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अमोनिया फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, दोनों ही प्रोडक्ट क्लेम करते हैं। और प्राइस की बात तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी इन दोनों के प्राइस। और अगर प्राइस कंपैरिजन करें तो वाओ का जो शैम्पू है वो थोड़ा सा कम प्राइस का है कंपेयर टू सेंट बोटानिका एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। और अगर उनकी क्वालिटी की बात करें तो वाओ और सेंट बोटानिका की क्वालिटी जो है वो 19-20 है, यानी कि अगर वाओ की शैम्पू की बात करें तो वो 19 मानी जाएगी और सेंट बोटानिका की माने तो वो 20 मानी जाएगी। आप कभी भी नेचुरल शैम्पू से ये उम्मीद ना रखें कि वो आपके बालों को जो है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट कर देगा या बहुत ही ज़्यादा शाइनी, लेकिन आप ये ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आपके बालों को जो नेचुरल आपके बालों की शाइन है उसको बरकरार